तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग एंड स्वागत है आपका हमारी और एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं वन वर्सेस वन, वो भी ज़ॉम्बी के साथ। तो ज़ॉम्बी आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर इस मोड में एक बड़ा सा ज़ॉम्बी रहता है। तो इस ज़ॉम्बी के साथ हम लोग वन वर्सेस वन करने वाले हैं। तो उसके लिए देखो, हमने सोलो यहाँ पर सोलो कर लिया है, तो ऐसे हम लोग सोलो करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर स्टार्ट हो गया मैच और देखते क्या हम लोग ज़ॉम्बी को वर्सेस में हरा पाएंगे और हम लोग कितने मिनट में हराते हैं ज़ॉम्बी को। तो चलिए, यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है और हम लोग लेने वाले कटाना। कटाना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है इस मोड में। तो चलिए, कटाना ले लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर पावर अप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, ये दो ले लिए, मेली बूस्ट, जनरल बूस्ट और यहाँ लैंडमाइन यहाँ लेके मैं यहाँ लगा दूंगा। तो यहाँ पे 15 लैंडमाइन यहाँ पर लगा दूंगा, यही पे ज़ॉम्बी आता है और जैसे ही आएगा वैसे ही लैंडमाइन फटेगी उसके ऊपर। तो चलिए, ज़ॉम्बी अब आने वाला है और देखते हम लोग कितनी देर में ज़ॉम्बी को मार सकते हैं, वो भी अकेले, स्क्वाड में नहीं। अभी हम लोग खेल रहे हैं अकेले, तो देखते हैं। और गाइस, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, आप लोग कितनी देर में ज़ॉम्बी को मारते हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को ट्राई ज़रूर करना। ये देखो, ज़ॉम्बी आए और ये हमने ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर दिया है। तो देखो, कटाना की कुछ ऐसी एबिलिटी है यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर का आपको लाइन देखने को मिलेगा मेरे एच पी बार के ऊपर, तो एच पी बार के ऊपर जो ब्लू लाइन है वो एक प्रोटेक्शन लाइन है, मतलब प्रोटेक्शन पॉइंट, शील्ड पॉइंट बोल सकते हैं। तो उसी के वजह से मेरे को यहाँ पे डैमेज नहीं पड़ता। आप लोग कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर वो शील्ड पॉइंट है ब्लू कलर का, उसकी वजह से डैमेज नहीं पड़ता। और वो शील्ड पॉइंट मतलब कटाना यहाँ पे चलाने से शील्ड पॉइंट बढ़ती है, ऐसा इस मोड में है, मतलब इसीलिए यहाँ पर मेरे को डैमेज नहीं पड़ रहा। तो आपका हो सकता है ये सवाल कि क्यों नहीं मरता बंदा, तो देखो मैंने बता दिया। और अभी देख सकते हो कितनी कम एचपी कर दी मैंने ज़ॉम्बी की, अभी एक मिनट होने को हुआ है और एक मिनट में मैंने ज़ॉम्बी की 50 एचपी खा दी, मतलब 50 एचपी ज़ॉम्बी की ख़त्म हो चुकी है। और देखो, अभी हम लोग ख़त्म ही करने वाले ज़ॉम्बी को, और आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना आप लोग कितनी देर में ज़ॉम्बी को ख़त्म करते हो। और देखते हो, ज़्यादातर बंदे को पता नहीं होता कि ज़ॉम्बी को हम लोग कटाना से तुरंत मार सकते हैं, लेकिन बंदे लोग गनी यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता तो आप लोग उसको बता सकते हो कि भाई ऐसी ट्रिक होती है। और ये देखो, ज़ॉम्बी कूदा भाई, कुछ नहीं हुआ। देखो, ओरियन मैं इसलिए लेके आया था गाइस कि ओरियन से मेरे को मतलब कभी कभी प्रोटेक्शन मिलती है। देखो, अभी मैं ओरियन बन गया, तो ज़ॉम्बी का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं मेरे को कब मार दे, इसीलिए मैं ओरियन लेके आया था गाइस। और ये ज़ॉम्बी मरने वाला है, देखो कितनी जल्दी ख़त्म कर दिया, अभी 8 मिनट भी बाकी हैं और ज़ॉम्बी होने वाला है ख़त्म गाइस। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और देखो, आप लोग ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं। और एक शेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, हम लोग ने कम्प्लीट कर दिया। अब पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो गाइस, चलिए और एक न्यू वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।